बुलंदशहर के खुर्जा इलाके का बताया चला। मेरठ में कोरोना वायरस के दो सस्पेक्ट बीते 24 घंटे में एडमिट किए गए हैं। ये सस्पेक्ट अलग अलग स्थानों से हैं, जिनमें से एक जयपुर से लौटा था अपने घर, जिसको बुखार आया, खांसी हुई और नमोनिया के लक्षण उसमें पाए गए, जिसके बाद उसको यहाँ पर आधी रात के बाद एडमिट कराया गया। मेडिकल कॉलेज का ये सुपर स्पेशलिटी सेंटर है, जहाँ पर कोरोना 19 के लिए एक वार्ड बनाया गया है और यहाँ पर ये दो मरीज जो हैं भर्ती किए गए हैं, सस्पेक्टेड मरीज हैं फिलहाल ये, और इनके जो सैंपल्स हैं वो भेज दिए गए हैं जांच के लिए। बीती रात जब इस मरीज को यहाँ पर एडमिट किया गया तो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इनके परिजनों को डराया और उनको यहाँ से ले जाने के लिए तक कह दिया। बाद में इस पूरे मामले की एक वीडियो सामने आई है, जिस पर अब मेडिकल कॉलेज का स्टाफ सवाल जवाब कर रहा है उस डॉक्टर से, जिसने मरीज के परिजनों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया था। फिलहाल ये कहा गया है डॉक्टरों के द्वारा कि करीब 14 दिन तक इनको यहाँ आइसोलेटेड रखा जाएगा, अगर ये कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार। इधर कोरोना को लेकर शहरें सूनी होती जा रही, स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, वायरस की इस इमरजेंसी